असलम गाइस कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे खैरियत से होंगे और बहुत मजे में होंगे तो वेलकम बैक करता हूँ अपने चैनल उमर मलिक में होप सो जितनी भी अब तक मेरी वीडियोस आ चुकी हैं आपने इनशाला वॉच कर ली होंगी अगर आपको फर्दर कोई भी क्यूरी आ रही है बैक लिंक से रिलेटेड इनशाला मैं इसकी प्लेलिस्ट भी बना दूंगा तो आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं इन जैसे टाइम मिलता है तो मैं आपको रिस्पॉन्स करता हूँ व्हाट्सएप पे और आपकी कॉल को आपको कॉल भी कर लेता हूँ जैसे थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो थोड़ी सी डिफिकल्टीज होती है। होते हैं लाइफ बिजी होता है इंसान पूरी पर्सनल लाइफ में अपना काम वर्क इट इसी लेकिन जैसे मुझे टाइम मिलता तो इंशाल्लाह मैं आपसे कॉल पे भी कॉन्टैक्ट कर लेता हूँ अच्छा तो मुझे बहुत ज्यादा क्यूरी आ रही थी कि सर इस फील्ड में कितना पोटेंशियल है कितना नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है तो मैंने सोचा चले आपको क्यों ना थोड़ा मोटिवेट ही कर दिया जाए क्या मोटिवेट हो जाए और पता चले इस फील्ड में कितना पोटेंशियल है और आपको अपने लास्ट एक अकाउंट सिंगल अकाउंट की अर्निंग भी शो करवाई जाए आ, मुझे बहुत सी क्यूरीज आती हैं कि सर मीन्स के हम भी आपकी तरह काम करना चाहते हैं तो मैं सिंपली मैं यही कहता हूँ कि आप फ्री में आपको मैं सिखा रहा हूँ आप चीज़ें सीखें और वर्क करें काम करें इन शाला जहां पर आपको डिफिकल्टीज आएगी मैं आपकी क्योरीज सॉल्व करूंगा मुझे बहुत सी ऐसी क्यूरीज भी आती हैं कि नहीं सर हमने आपसे ही सीखना है और उंगली पकड़ के सीखना है तो मैं आपसे यही कहता हूँ कि मैं उंगली पकड़ के ही सिखा रहा हूँ जितना मुझे टाइम फ्लेक्सिबल मिलता है मैं आपकी क्यूरीज को क्लियर कर देता हूँ लेकिन फिर भी कुछ लोग चाहते हैं नहीं जी हमें आपका मीन्स के पर्सनल टाइम चाहिए आपसे ही मीन्स के जूम पे या फिर फिजिकल फिजिकली तो अभी मेरा कोई इतना सिस्टम नहीं बन रहा लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि जूम पे क्लासेस स्टार्ट करवाऊँ यही जो मेरा कोर्स है सारा ये यूट्यूब पे अवेलेबल है जो नहीं इंसान अफोर्ड कर सकता कोई मसले वाली बात नहीं है वो सारी इस वीडियोज़ को वॉच करें जहाँ पे उसे प्रॉब्लम आएगी मैं सॉल्व करूँगा अगर फिर भी किसी ने जोम पे मुझसे क्लासेस लेनी है तो फिर मैं पेड क्लासेस स्टार्ट करवाऊंगा क्योंकि तो मैं अपना टाइम कंज्यूम करूँगा फ्री में कोई वर्थ नहीं है क्योंकि मैं बहुत सी चीज़ें अभी फेस कर रहा हूँ लोग सीरियस नहीं लेते कुछ लोग सीरियस लेते हैं कुछ लोग बिल्कुल सीरियस नहीं लेते हैं वो समझते फ्री की चीज़ की वर्थ नहीं है अपना टाइम कंज्यूम कर रहा है टाइम आपको मैं दे रहा हूँ बहुत सी चीज़ें मैंने स्किप करके यूट्यूब की तरफ मूव ऑन किया ताकि मैं कम्युनिटी की हेल्प कर सकूँ लेकिन फिर भी कुछ लोग चीज़ों को सीरियस नहीं लेते आ, सम टाइम ये होता है कि सर अगर आपके अकाउंट की अर्निंग दस लाख रुपए पर मंथ है तो मैंने भी दस लाख ही मुझे एक मंथ में चाहिए तो फिर मैं उसे मैंने यही मैंने कहा एक भाई थे तो मैंने कहा मेरा पाँच साल का एक्सपीरियंस है मैंने बहुत धक्के मारे खाई हैं मैं आपको वही एक्सपीरियंस बहुत ही कम टाइम में दे रहा हूँ यूट्यूब पर दे रहा हूँ फ्री में सीख लें अगर आपको फिर भी कोई डिफिकल्टी आती है तो मैं सॉल्व करूँगा आप टाइम लगता है चीज़ों में सिखाना मेरा काम है काम करना आपका काम है मैं आपको सिखा सकता हूँ ईच एंड एवरी थिंग लेकिन काम आपने ही करना है टाइम लगता है मुझे आप यकीन करेंगे मुझे पहला ऑर्डर लेने में कम से कम तीन से चार मंथ लग गए थे लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी मेरा एक अच्छा दोस्त और मेरा कुलिग थी उसने मुझे एक बात की उसने कहा उम्र मैं तीन चार मंथ में डिसाइड उसने कहा उम्र सोलह साल की डिग्री करने के बाद इतना पैसा यूनिवर्सिटी में इन्वेस्ट करने के बाद क्या यूनिवर्सिटी ने डिग्री के साथ जॉब भी आपको ऑफर की है जॉब भी दे रही है हजारों ग्रेजुएट्स हर साल डिग्रीज लेके निकल रहे हैं क्या यूनिवर्सिटी में जॉब भी ऑफर करती है मैंने कहा नहीं तो फिर उसने कहा हिम्मत क्यों हार रहा है इसी तरह मैं सिस्टम में लोगों से मैं कहता हूँ कि मीन्स आपको मैं उंगली पकड़ के ही सिखाऊंगा सीखना आपका काम है लेकिन आपने अपने माइंड में यही चीज़ रखनी का काम आपको ही करना है काम मैं नहीं करूँगा आपको मैं सिखाऊंगा ईच एंड एवरी थिंग लेकिन काम आपको ही करना है जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे इन थोड़ा टाइम लगता है हर चीज़ में लेकिन इंसान कामयाब हो जाता है तो होप्स हो जिसको मुझसे ऑनलाइन सेशन लेना है तो वो मुझसे व्हाट्सएप पर रबता कर सकता है मैं लिटिल बिट माइनर फीस चार्ज करूँगा ताकि वही इंसान इस कोर्स में इन हो जो एक्चुअली काम करना चाहते हैं कोई आपके पाँच दस हज़ार से अलहदुल्ला मैं इतनी अर्निंग करने वाले से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन मैं आपके साथ अपना नॉलेज शेयर कर रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ लेकिन मैं नहीं चाहता कि लोग इस जिस तरह में फ्री वाले कोर्स को कुछ लोग सीरियस नहीं लेते इस कोर्स को भी मैं जूम पे टाइम दूँ कुछ लोग सीरियस नहीं गए तो फिर मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ थोड़ी सी फीस चार्ज की जाए फिर वही लोग इस कोर्स में इनरोल हों जो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं अपने फ्यूचर को संवारना चाहते हैं अपने पेरेंट्स को हेल्प करना चाहते हैं आने वाले वक्त जो पाकिस्तान इन्फिलेशन है बढ़ रही है डे बाई डे कुछ अपनी जिंदगी में अपने साथ कुछ करना चाहते हैं होप सो आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी चले अब अब चलते हैं अर्निंग की तरफ मैं आपको शो करता हूँ लास्ट मंथ की मेरी एक अकाउंट की सिंगल अर्निंग कितनी थी अल्हमदिल्ला मैं एक टॉप रेटेड फ्री लांसर हूँ फ़ाइवर पर मोस्टली थ्री बैच होते हैं एक लेवल वन लेवल टू और एक होता है टॉप रेट टॉप रेटेड बैच आपको जब मिलता है जब आपकी टोटल अर्निंग बीस हज़ार डॉलर होती है अलहमद मैं एक टॉप रेटेड सेलर हूँ फ़ाइवर पे मैं अपनी आई तो नहीं शो करवा सकता कुछ रीजनस होती हैं लेकिन मैं आपको अपने अकाउंट की मुकम्मल अर्निंग लाइफ लास्ट मंथ की अर्निंग शो करवाता ताकि आप मोटिवेट हो सके और आप भी जिंदगी में अपना कोई गोल सेट करें कि सर हमने भी अचीव आपकी तरह मैं आपका साथ दूंगा वक्त के साथ साथ आपको चीज़ें मजीद के लिए जाएंगी। चलें अब स्क्रीन की और आप बहुत मोटिवेट होंगे बहुत मोटिवेट होंगे जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि मेरी लास्ट एक सिंगल की अर्निंग है और मैं एक डॉपरेटेड सेलर हूँ ट्वेंटी थाउजेंड डॉलर इस अकाउंट में मैं डन कर चुका हूँ जस्ट ये आपको सिर्फ मोटिवेट करने के लिए कि इस फील्ड में कितना पोटेंशियल है होप सो so, आपको पसंद आया होगा तो जस्ट मैं आपको मोटिवेट करते जाना हूँ आपने थकना नहीं है काम करते रहना टाइम लगता है मेरा अलहदिल्ला सालों का एक्सपीरियंस है लेकिन आपने काम के साथ लगे रहना है आपने काम को छोड़ना नहीं है होप्स सो इंसान को थोड़ा टाइम लगता है एक दो तीन मंथ जितना भी इंसान को टाइम लगता है वक्त के साथ साथ इंसान को चीज़ें क्लियर होती जाती हैं